बलिया की जिला अधिकारी रही सोम्या अग्रवाल को बुधवार को विदाई दी गई। विकास भवन में आयोजित विदाई कार्यक्रम के तहत जिला प्रशासन के अफसरों और कर्मचारियों ने सोम्या अग्रवाल को विदाई दी। इस दौरान प्रशासनिक अफसरों ने बलिया डीएम रही सोम्या अग्रवाल के कार्यकाल में मिले मार्गदर्शन के लिए उन्हें धन्यवाद ज्ञापित किया। इस मौके पर सोम्या अग्रवाल ने कहा कि बलिया में डीएम के पद पर रहते हुए उन्हें सभी सहकर्मियों का पूर्ण सहयोग मिला। गौरतलब है कि पिछले दिनों शासन ने डीएम बलिया का ट्रांसफर कर दिया, जिसके बाद आबकारी विभाग के विशेष सचिव रविंद्र कुमार को बलिया के जिलाधिकारी पद पर तैनाती मिली है, जिन्होंने मंगलवार को अपना कार्यभार ग्रहण किया है। समस्त सीएमओ साहब, सीएमएस साहब, समस्त अधिकारीगण, पूरा कलेक्ट्रेट परिवार, पूरा विकास विभाग का परिवार, सबसे पहले मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप सब, जो मेरा बलिया में कार्यकाल रहा, 8 महीने का कार्यकाल रहा, परंतु बहुत ही सुखद कार्यकाल रहा। और बलिया जब भी कोई अधिकारी आता है तो तमाम प्रकार के डाउट्स होते हैं उसके मन में, और सब लोग समझा के भेजते हैं कि बलिया जो है एक अलग राष्ट्र है और वहाँ पे आप जा रहे हैं, अलग प्रदेश ही नहीं अलग राष्ट्र है, वहाँ पे आप जा रहे हैं और देखिए क्या क्या परेशानियाँ आएंगी और सारी चीज़। तो बट मैं जब पिछले 8 महीनों पे नज़र डालती हूँ तो मुझे एक सुखद अनुभूति होती है। ये टेन्योर ऑल्दो इट वाज शॉर्ट, बट वो बहुत ही सेटिस्फाइंग टेन्योर था, और वो आप सब लोगों के कारण ही था कि यहाँ पे मुझे लगता है सब लोगों ने एक बहुत अच्छी टीम के रूप में काम किया। और यहाँ पे इन 8 महीनों में हम लोग कई बार जो है बहुत सारे काम करते हैं परंतु वो ज़मीन पे नहीं दिखते हैं, तो बहुत सारे काम जो है इसमें ज़मीन पे दिखे और बहुत सारे अच्छे आयोजन भी हुए। माननीय मुख्यमंत्री जी की भी 3-4 या 5 विजिट्स हुई इस टाइम पे, और हर विजिट बेहतर से बेहतर गई। हर विजिट में कार्यों की सराहना हुई और हर विजिट में एक्नॉलेज किया गया कि नहीं, बलिया में अच्छा काम किया जा रहा है। तो यही एक मुझे लगता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का या एक लीडर का उद्देश्य होता है कि आप लोग जनता, कि हम लोग जब तक हैं कुछ कर पाए। और शुरू में जब भी कोई आता है बलिया, तो मेरे ख्याल से अगर आपका गृह जनपद निकट नहीं है तो सबको तकलीफ सी होती है कि अरे कहाँ भेज दिया, कहाँ पहुँच गए, परंतु अब वो बलिया के साथ उतना एसोसिएटेड नहीं है क्योंकि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से लखनऊ की दूरी मात्र 4.5 घंटे की रह गई है। और बलिया में लोग, मतलब सब लोग ये कहते हैं कि ये बागी बलिया है, यहाँ के लोग बहुत ही आंदोलन करते हैं ये, पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ की पब्लिक बहुत ही इमोशनल टाइप की है, अगर आप उनसे सच्चे मन से जुड़ते हैं तो वो आगे से आगे आकर के आपका सहयोग भी करते हैं। तो बलिया का जो कार्यकाल है बहुत ही अच्छा रहा और इसमें उपलब्धियां भी काफ़ी हासिल हुई, और आप सब लोगों ने बढ़ चढ़ के इसमें काम किया, चाहे वो SDM सदर हो, SDM बैरिया हो, आप सब लोगों की तहसील में उल्लेखनीय कार्य हुए हैं। और यहाँ पे विकास विभाग में DDO साहब ने बहुत सारे काम कराए, AMI PD साहब भी अब करा, मतलब सबका, उसमें मैं किसी का नाम, बहुत सारे लोगों का नाम छूट भी रहा है इसमें, बट सब लोगों ने बहुत अच्छे काम कराए, आगे बढ़ करके काम कराए। जब हम लोग इसको इनोवेटिव वर्क कहते हैं, सब लोगों को लगता था कि हमसे कुछ अतिरिक्त काम कराया जा रहा है, परंतु उन कार्यों का जब फल मिला तो फिर मुझे लगता है सबको एक सुखद अनुभूति थी कि हाँ ये काम जो है अच्छा हो गया और इट इज़ एन अकम्प्लिशमेंट। तो सब लोगों ने बहुत मन से काम किया, और जो आप लोग कहते हैं कि मेरा व्यवहार अच्छा है, वो अच्छे व्यक्तियों के साथ अच्छा होता है, मेरा ये मानना है। आप लोगों ने कभी मौका नहीं दिया कि आप लोगों से खराब तरीके से बोला जाए, आप लोगों को वो किया जाए। जब तक कोई व्यक्ति को मौका नहीं देता है तो ये आप लोगों की उपलब्धि है मेरी उपलब्धि से ज़्यादा। तो आप सब लोगों को अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही व्यवहार होता है, मेरा ये मानना है, और अच्छे लोगों को अच्छे लोग ही मिलते हैं। तो मैं जहाँ जाती हूँ मुझे बहुत अच्छी टीम मिलती है और अच्छे काम भी होते हैं, सब चीज़ अच्छे से होती चली जाती है। और कई बार मुझे जब भी विदाई समारोह होता है, मेरे को हिचक जरूर होती है एक्सेप्ट करने की कि सब लोग तारीफ करेंगे अब क्या फ़ायदा, बट फिर एक लालच रहता है कि सबसे एक बार एक साथ मिल लेंगे और फिर उसके बाद जो है जनपद से प्रस्थान किया जाएगा अगले गंतव्य की ओर। और इस अवसर पर मेरी आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग सदैव स्वस्थ रहेंगे और जो आपकी मनोकामना है वो पूरी होगी, हमेशा आप लोग प्रगति करेंगे, ये
मेरी सबके लिए एक स्वच्छ मन से कामना है कि आप लोग सदा खुश रहे। आप लोगों को जब भी मेरी कोई आवश्यकता होगी या आप लोग को कभी भी कोई काम पड़े तो फील फ्री टू कॉल मी। सबके पास मेरा पर्सनल नंबर है, सारे अधिकारियों के पास। आप लोग कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं, मिलने आ सकते हैं। और ये मान के चलिए कि हमेशा आप लोगों को जब भी मेरी जरूरत पड़ेगी तो आप लोग मुझे आस पास पाएंगे। आज हम से रोट गया बदरदी क्यों, आज हम से रोट गया थोड़ी दिल कलापा था गलियों से छूट गया, वक्त बदरदी उठ गया। देखिए जिलाधिकारी पद अत्यंत महत्वपूर्ण पद होता है और ये तो सभी को मालूम है कि बलिया में शासन की कई योजनाएं चल रही हैं और कई योजनाओं में भी गति देने की आवश्यकता है। तो एक ये उत्साह की बात थी कि चल के कुछ ऐसा करना है कि वहाँ हम जनपद को अपना योगदान दे सकें, वहाँ की जो योजनाएं हैं उसको हम गति प्रदान करके पूर्णता प्रदान कर सकें। क्योंकि बलिया के बारे में एक ये बहुत अच्छी बात यही है कि यदि आप वहाँ करते हैं, मन से करते हैं, तो बलिया वाले भी आपको बहुत प्यार करते हैं। ये बात सबको मालूम है, लखनऊ तक हम मालूम है कि यदि आप बलिया के लिए काम करते हैं तो प्यार बहुत करता है बलिया से। और एक दो जो पूर्व जिलाधिकारी यहाँ रहे हैं उनसे भी मैंने बात किया, उनका ये था कि जब बलिया पाँच छः जिलों में जिलाधिकारी रहे तो उन्होंने कहा कि मैं 10 साल पहले जिलाधिकारी था लेकिन बलिया ऐसा जनपद है कि आज भी लोग आते हैं मिलने और आज भी अपना संपर्क बनाए हुए हैं, तो ये अपनापन आपको बलिया में मिलेगा। तो ये आप बहुत अच्छी बात है अगर किसी जनपद के लिए ये बात कही जाती है। और निश्चित रूप से हम लोग मन लगा के ही काम करेंगे, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनपद का भी पूरा प्यार मिलेगा। उसके पूर्व में अपर आयुक्त खाद देता, उसके पहले मैंने जनपद आगरा में विभिन्न पदों पर, सहारनपुर में, संत कबीर नगर में और बहराइच में विभिन्न पदों पर, जिसमें उप जिलाधिकारी अपर जिलाधिकारी सिटी मजिस्ट्रेट शामिल है, मैं वहाँ पर कार्यरत रहा हूँ। मूल जनपद मेरा कौशाम्बी पड़ता है और मैंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से MSc बॉटनी किया है, एजुकेशन भी 9th से लेके और पोस्ट ग्रेजुएशन तक इलाहाबाद की रही, आज की डेट प्रयागराज रही। तो ये मेरा संक्षिप्त परिचय था। एक जो सामान्य आप लोगों का जो प्रश्न रहता है उसमें मैं पहले से बता देता हूँ कि जो जनपद में आने पर क्या करेंगे आप, तो निश्चित रूप से जो शासन की महत्वपूर्ण योजनाएं, शासन की जो योजनाएं जन सामान्य के लिए हैं वे योजनाएं जन सामान्य तक पहुँचे, इसका पूरा प्रयास किया जाएगा। जो यूपी साठ न्यूज के लिए बलिया से अमित कुमार की रिपोर्ट।